तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्नैपचैट ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक को पीछे छोड़ते हुए व्हाट्सएप को भी पीछे छोड़ रहा है। स्नैपचैट का जो ट्रेंड है बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एक वीडियो होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किसी एक स्नैपचैट ऐड को दो मोबाइल फोन में एक ही टाइम में कैसे यूज कर सकते हैं, एक ही टाइम में आप दोनों से चैटिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेटेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा हर किसी के मोबाइल फोन में वर्क करेगा। आपको पता है मेरे आप वीडियो जो पहले अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, नो टाइम वेस्ट नो बकवास, सीधे आइए और कर जाइए। तो हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग देख रहे टेक फाइटर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम सचिन और वीडियो में अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रोसेस की तरफ। दोस्तों हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जहां पे आप लोग को ए टू जेड लाइव करके दिखाऊंगा कि आप एक स्नैपचैट अकाउंट को दो मोबाइल फोन में एक ही साथ एक ही टाइम पे कैसे चला सकते हो, और ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसमें चला रहे हो तो ये लॉग आउट हो गया और इसमें चला रहे हो तो ये लॉग आउट हो गया। ये आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपने एक मोबाइल फोन में अपना स्नैपचैट ओपन करके रखा है आईडी, और आपको फिर क्या करना है, जिस मोबाइल फोन में आप दूसरे मोबाइल फोन में जिस सेम स्नैपचैट आईडी चलाना चाहते हो उसमें आपको स्नैपचैट डाउनलोड तो करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिंपली इस स्नैपचैट को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ फर्स्ट इंटरफेस आप लोग को इस तरह का देखने को मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपने साइन अप नहीं करना क्योंकि आपका एक ऑलरेडी स्नैपचैट अकाउंट है, तो आपको वही यहाँ पे लॉगिन करना। तो यहाँ पे हम लोग को लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर जो भी परमिशन मांगेगा आप चाहो तो अलाउ कर सकते हो वरना नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा लॉगिन फोन नंबर आ रहा है, उसके बाद पासवर्ड आ रहा है, तो जो नंबर से आपने उस स्नैपचैट आईडी को बनाया था वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड जो है वो पासवर्ड हम लोग को एंटर कर लेना है। लेकिन अगर गाइस बहुत लोग हैं जो अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है, आपको नंबर पे यहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालना, फिर से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप ये कर लेना। बाकी अगर पासवर्ड याद हो तो आप लोग को पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो चलिए हम लोगों ने अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लिया, उसके बाद हम लोग को सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे टर्न ऑन मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो ये आपको अलाउ करना होगा ताकि आपका कैमरा वगैरह का परमिशन यहाँ पर ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशन हम लोग अलाउ करते हैं, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है, वही सेम। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ इस मोबाइल फोन में। यहाँ पे हम लोग फिर जाते हैं अपना बैक थोड़ा जाते हैं, अपना स्टोरी वाले सेक्शन पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अपना प्रोफाइल पे जाते हैं। तो प्रोफाइल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर भी अपना प्रोफाइल पे जा सकते हैं, यहाँ पे ऐड करने का रहा, आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ से बैक करते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली इसके भी प्रोफाइल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ही स्नैपचैट आईडी है जो कि दो मोबाइल फोन में ओपन है, देख सकते हैं स्नैपचैट आईडी दोनों का सेम है, और दो मोबाइल फोन में एक ही वक्त में आपको लॉग आउट प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। मैंने जैसे बताया आपको सेम उसी तरह फॉलो करना है दोस्तों, देख सकते हैं आप एक ही आईडी से दो मोबाइल फोन में आप चैटिंग कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।